जयपुर में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में एक अनोखा प्रयोग देखने को मिला है। एक लॉन्च किया गया है नया होलोग्राम। आधुनिक 3D प्रयोग से अशोक गहलोत लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। इसका नाम है अशोक गहलोत आपके घर। अभियान का नाम ही दिया गया है कि अशोक गहलोत आपके घर। इसका मतलब कि अशोक गहलोत होलोग्राम के जरिए आपके घर के अंदर होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, स्कैन करना है। जैसे ही आप एक कोड स्कैन करेंगे, उसके बाद लोगों के ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके किचन में, उनके ऑफिस में 3D टेक्नोलॉजी से सीएम अशोक गहलोत खुद पहुंच जाएंगे। 7 गारंटियों के बारे में सीएम अशोक गहलोत समझाते हुए दिखाई देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस नए 3D होलोग्राम की जानकारी भी साझा की है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पोस्ट, उसमें आप देख सकते हैं अशोक गहलोत ने नए 3D होलोग्राम के बारे में जानकारी साझा की है। तो आप देखिए, नया होलोग्राम लॉन्च किया गया है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए इससे पहले हमने कई बार चुनाव प्रचार देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होलोग्राम के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में ये टेक्नोलॉजी अब थोड़ी नई है और नई तकनीक के जरिए राजस्थान की जनता को लुभाने की कोशिश कांग्रेस करने जा रही है। ये एक अनोखा प्रयोग है, क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़कर वर्चुअल रियलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, और वर्चुअल रियलिटी यानी कि वर्चुअल रियलिटी का VR का मतलब ही यह है कि जो सच नहीं है वो आपके सामने पेश होगा। तो अशोक गहलोत आपको ऐसा लगेंगे कि आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में खुद आकर के 7 गारंटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यही 3D टेक्नोलॉजी है, यही वर्चुअल रियलिटी है। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं। शशि मोहन, कहाँ हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब हम वर्चुअल रियलिटी की ओर आगे बढ़ चुके हैं, अशोक गहलोत लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं, और ये एक अनोखा प्रयोग राजस्थान के चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है। इसका कितना असर होगा और लोगों में इसको लेकर कितना कौतूहल है? देखिए, लोगों में तो जिज्ञासा है, और जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, लोग इसके बारे में बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जानने की जिज्ञासा भी जताते हैं जी। ये होलोग्राम के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक होलोग्राम है और एक लिंक भी दिया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर लिंक पर है। और इससे इस 3D होलोग्राम के जरिए ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लोगों को उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उन 7 गारंटियों के बारे में बता रहे हैं जो सरकार ने, सत्ताधारी पार्टी ने दी है, और जो काम सरकार ने किया है उस काम के बारे में बता रहे हैं। तो हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया जरिया इसको कहा जा सकता है। हाँ। और ये कारगर कितना होगा, इसका रेस्पॉन्स आने वाले 2 दिन में और पता लगेगा कि कितना ज्यादा रेस्पॉन्स। तो शशि मोहन, लिंक जो है वो तो किसी प्लेटफॉर्म की होगी, आप लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्कैन करेंगे, तो क्या उसके लिए आपको घर में किसी और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है होलोग्राम देखने के लिए, अशोक गहलोत को आमने सामने देखने के लिए? देखिए, मोबाइल फोन पर ये लिंक मिलेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर के जरिए भी ये लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है, और पार्टी अपने जो प्रचार सामग्री है, गारंटी कार्ड है, उन पर भी इस होलोग्राम को मनाएगी। तो मोबाइल में भी ये सारी चीजें देखी जा सकती है, मुख्यमंत्री का मैसेज सुना जा सकता है। व्यक्तिगत तारतम्य स्थापित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, और उनके प्रचार अभियान में जुड़ी टीम ने इस बात की तैयारी की है, और कोशिश यही है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री खुद रूबरू होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के समय पर प्रत्याशियों के कॉल्स आते हैं, वो क्योंकि सभी को मास कॉलिंग का एक ऑप्शन होता है कि मास कॉलिंग होती है, तो लोग बड़ा उससे कनेक्ट करते हैं कि देखिए मैं आपका ये प्रत्याशी बोल रहा हूं और आप मुझे वोट कीजिए। लोग उससे जब इतना कनेक्ट करते हैं, तो जब खुद CM आपके घर में आएंगे और बोलेंगे कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए, कांग्रेस आपके लिए ये लेकर आ रही है, इसका प्रभाव वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा पड़ता है। अब तो वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में बहुत अमूलचूल परिवर्तन भी हो रहे हैं शशि मोहन। जी हार्दिक, बिल्कुल, वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, और आपने देखा कि IVRS टेक्नोलॉजी है, और इस तरीके से मास कॉल है जो आपने बताया दर्शकों के लिए, उनका असर पड़ता है, और इसी असर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस होलोग्राम के अभियान की लॉन्चिंग की है। अभी इसकी लॉन्चिंग आधिकारिक रूप से होनी है, हालांकि ये लॉन्चिंग के साथ में और इसको व्यापक तरीके से प्रसारित करने की भी पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन अभी ये शुरुआती स्तर पर है। बिल्कुल, हालांकि चुनाव में इस तरह के प्रयोगों का होना एक बहुत अच्छी बात है कि कैसे हम तकनीक के क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और
कहने ना कहने की बात नहीं है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया का एक नया स्वरूप है जो अशोक गहलोत के इस कैंपेन में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस जानकारी के लिए।